सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने स्टडी सर्कल 247 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप भी प्रतिदिन कुछ नया नया सीख सकें। आइए जानते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 124 चार तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के प्रावधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के कम से कम 100 तथा यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को दिया जाता है। इसके बाद 3 सदस्यों की एक समिति जिसमें उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होते हैं इस प्रस्ताव की जांच करते हैं। जब यह समिति अपनी जांच में पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या वह असमर्थ है तब वह प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन के साथ उस सदन में विचार के लिए स्वीकार किया जाता है जिसमें वह प्रस्ताव लंबित होता है। यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन में उस सदन के कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को समावेदन प्रस्तुत किया जाता है और यदि राष्ट्रपति समावेदन पर आदेश कर देता है तो न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।